ग्राम पंचायत मखदूम दीनदयाल नगर में साफ सफाई न होने के कारण लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कॉलोनी में जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, जिसे उठाने के लिए कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुंच रहा। ऐसे में गंदगी के कारण उनका जीना मुहाल हो गया है और बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। दीनदयाल नगर इन दिनों कई परेशानियों का सामना कर रहा है। न कॉलोनी में सफाई कर्मी आ रहे हैं और न ही शुद्ध पेयजल मिल रहा है। यहाँ तक कि तालाब की सफाई भी नहीं हो रही, जिसके कारण कॉलोनी वासी बार बार शिकायत कर रहे हैं, जिसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। न सफाई कर्मी कॉलोनी में आ रहे और न ही उनकी पानी की समस्या का समाधान हो रहा। ऐसे में कॉलोनी वासियों के अंदर प्रशासन के खिलाफ भी रोष बढ़ गया है। इस अवसर पर श्याम सिंह, नरेंद्र सारस्वत, श्याम सुंदर पाठक, विष्णु कुमार, पंकज बघेल, मुनेश रामबती आदि लोग मौजूद रहे। समस्या यहाँ आए दिन नाली के निकास, पानी के निकास को लेकर समस्या रहती है और अब बरसात शुरू होने वाली है तो पानी का भराव, जैसा कि आप इधर आसपास देख रहे हो, आपने देखा होगा कि पूरा पानी भरा हुआ है, पानी का उचित निकास नहीं है और बरसात में तो रोड पर भी पानी भर जाता है, जिससे कीड़े उत्पन्न होंगे। और आपको पता है कि पिछले 3 वर्षों से बहुत विकट बीमारी से सब लोग जूझ रहे हैं, तो सभी लोग बीमार हो सकते हैं, बीमार होने की आशंका है और हर घर में रोज़ किसी न किसी की तबीयत खराब भी हो रही है। तो उसके चलते हुए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो। आपने इसकी शिकायत प्रधान जी से की है? हमने इसकी शिकायत प्रधान जी से भी की है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं लेकिन वो उसका कोई उचित निवारण नहीं कर पा रहे हैं। तो जय साहब भी देख कर चले गए लेकिन अभी उसके बाद हमें कोई भी संतुष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है, जिससे कि हम संतुष्ट हो चुके हैं कि हमारा काम हो रहा है।